रिकॉर्ड कीजिए, मेरा हो गया, मेरा ये से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है हो गया, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने मुझे इतना देर तक सुनने के लिए इंतजार किए। और मेरा नाम मनोरंजन पात्रो, कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, रहने वाला उड़ीसा को हूँ। और जैसे कि आज आप लोग से मैं बात करूंगा कैसे हमारा जो टीम है उस टीम को हाई परफॉर्मेंस टीम में बनाओ, तो उसका कई सारा स्टेप है और उसी कुछ स्टेप में आप सभी से डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखिए, पहला है तो सबसे मतलब मैं जो ट्रेनिंग दूंगा आप सबको, उसका एक ही वर्ड है कि मैं कर सकता हूँ, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन डू इट इज अल्टीमेट वर्ड। आपको आपको बाहर से जितना भी मोटिवेशन मैं दे सकता हूँ और आपको कहीं से भी जितना मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन सबसे लास्ट वर्ड होता है आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ, ये विश्वास आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि हम लोग को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं यू कैन डू मिरेकल्स, यानी कि हम मिरेकल कर सकते हैं, हम उड़ सकते हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हम लोग को लगता है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं कि, बट मतलब हर टाइम इंडिविजुअली जो एफर्ट होता है, लेकिन अकेला करने का जो एफर्ट होता है, अकेला जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो हर टाइम हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। ऑल टाइम इंडिविजुअलिटी नेवर गेट सक्सेस, यानी कि अकेले अगर आप चाहें कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं अकेले उठ जाऊंगा, मैं अकेले इस अकेले काम करके मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, चेयरमैन बन जाऊंगा, तो ये आप गलतफहमी में है, क्योंकि आप अकेले जो काम करेंगे उसमें हर टाइम में जो आपको सक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हम लोग कभी कभी हम लोग फेल भी हो जाते हैं, समटाइम्स यू मे फेल, यानी कि कभी कभी हम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ सपोर्ट्स का जरूरत होता है। समटाइम्स यू नीड सपोर्ट्स, यानी कि हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं कभी कभी हम लोग को किसी का ना किसी का सपोर्ट का जरूरत होता है, क्योंकि जब सपोर्ट हम इसलिए लेते हैं कि हमको वो सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। समटाइम्स यू नीड गाइडेंस, यानी कि आपको गाइडेंस का जरूरत होता है, आप जो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आपको एक गाइडेंस का जरूरत होता है। तो ये सारा चीज आपको मिलता है टीम वर्क का थ्रू। यू कैन फाइंड ऑल द एवर, मैंने जो भी पॉइंट्स के बारे में बताया, आप उड़ सकते हैं, आप मिरेकल कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये टीम वर्क का थ्रू, यानी कि यू कैन फाइंड ऑल द एवर विथ टीम वर्क। टीम वर्क का थ्रू आप चाहे जो भी आप पाना चाहेंगे तो आप टीम वर्क का थ्रू उसको पा सकेंगे, क्योंकि टीम का फुल फॉर्म ही क्या है कि टुगेदर एवरी वन अचीव मोर, आप और हम मिलके बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। देखिए, कमिंग टुगेदर इज बिगनिंग, यानी कि आप जब आते हैं हमारा साथ, ये दोनों मिलके जब एक काम को शुरुआत करते हैं तो वो बिगनिंग कहा जाता है, और अगर हम दोनों ने कोई भी काम को लगातार करते रहेंगे तो उसको प्रोग्रेस कहा जाता है, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। अगर आप हम और हम दोनों मिलके एक साथ कोई काम करते रहते हैं उसको टुगेदर इज प्रोग्रेस, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, जब कोई भी काम हम लोग करते रहते हैं मिल करके करेंगे तो हम लोग सक्सेस को पा पाएंगे। और जब हम आपका हाथ पकड़ लेते हैं, यानी कि कोई अगर आपका सीनियर्स जो है वो जब आपका हाथ को पकड़ लेता है तो कोई भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपका साथ सिर्फ आपका सीनियर का हाथ नहीं रहता है, टीम वर्क का थ्रू पूरा टीम का हाथ आपका हाथ में रहता है। मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी कि जब कई हाथों जब आपका हाथ को पकड़ लेता है तो जो कठिन काम था वो लाइट हो जाता है। तो अभी हम देखना चाहेंगे कि ऐसा एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, जिस वीडियो का थ्रू आपको मालूम चलेगा कि आपको टीम वर्क जो होता है वो एक्चुअली क्या मीन करता है। क्या आप लोग देखने चाहेंगे? प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्या आप लोग उस वीडियो को देखना चाहेंगे?
जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं उस वीडियो को चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ, है ना। और मेरा अंदर उस जिद था, इसलिए मैं जीरो से आज ये लेवल तक अचीव कर पाया हूँ। तो यस जिद यस हर एक आदमी का रहना चाहिए। तो अगर चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, आप सभी का रिप्लाई के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं उस वीडियो को। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? और इसमें से मेरा जो आज का ट्रेनिंग पार्ट है बेसिकली इसी वीडियो का ऊपर है। तो मैं चाहूंगा आशीष सर, राजाराम जी और जो लीडर्स हैं, कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए, ताकि मेरा ये ट्रेनिंग सेशन उनको तभी मैं सक्सेस कर पाऊंगा जब आपसे मैं इस वीडियो को बारे में कुछ बातचीत करते रहूंगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लीडर्स हैं कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जैसे राजाराम जी हैं, सुरेश सर हैं, आशीष सर हैं, मंटू सर हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मैं कुछ चीज डिस्कस करते रहूंगा आप लोग से, जो कि आप लोग को रिप्लाई देना है। देखिए, बेसिकली ये वीडियो जो था ये स्ट्रगल एंड कंपनी का था। जो स्ट्रगल एंड कंपनी ने किया किया कि कुछ चीज जो है उसको कहीं डिलीवरी करना था, है ना। तो इसके लिए कोई एक एम्प्लॉय को उसने मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाता है। तो वो जब अकेले काम करना शुरू करता है, देख रहे हैं आपका जो वीडियो चल रहा है, तो वो जब अकेले काम करना शुरू करता है तो क्या है कि वो खुद
उसको खुद का ऊपर बहुत ही प्रेशर पड़ता है और वो क्या करता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का कोशिश करता है ना। और साथ में क्या होता है, दूसरे जो एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि दूसरे एम्प्लॉय बोल सकते हैं या आपका जो टीम है उस टीम का कोई भी एक मेम्बर बोल सकते हैं, उसको हेल्प करने आ जाता है और लगातार वो लोग उस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन आपका टीम के अंदर ऐसा भी मेंबर्स होगा जो सिर्फ ऑर्डर देता रहता है। क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर देता रहता है। क्या आपका टीम के अंदर ऐसा आदमी दिखाई देता है आशीष सर? हाँ जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारा आदमी होते हैं जो आपका टीम के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ टीम के अंदर बैठ के ऑर्डर देते रहते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, काहे बीपी नहीं आया, क्यों नहीं आया, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ खुद कुछ करते नहीं है। तो ऐसा आपका टीम के अंदर भी होगा ना। तो इसी तरह जब कंटिन्यू काम होते रहता है तो दूसरे तरफ देखते हैं तो वो जो परफॉर्मेंस ग्रुप है वो लेकिन काम करते करते उसको सक्सेस तरफ ले जाता है। जैसे कभी देखिए तीसरा बंदा था, चौथा बंदा आके उसको ट्रबल में फेंक देता है ताकि वो उस काम को कंप्लीट ना कर पाए, यानी कि आप जो गोल बनाए हैं आपका जो सक्सेस है उसको रोकने लगता है। बहुत सारा बंदा है जो दूसरे कंपनी में काम करते रहते हैं और दूसरे कंपनी में काम करते हुए आपका टीम मेंबर को खींचते रहते हैं। क्या होता है कि नहीं होता है? होता है जी, हो रहा है, दिख रहे हैं। जी सर, तो उस तरह क्या होता है कि जब वो खींचते रहता है मतलब वो खुद सक्सेस नहीं होता है और दूसरे को भी सक्सेस होने नहीं देता है। तो उस तरह और भी एक लीडर आ जाता है जो पीछे में देखिए उसको खींचते रहता है, मतलब आपको सक्सेस नहीं होने देगा, लेकिन उसका जिद है कि वो सक्सेस होगा, इसलिए वो क्या करता है, खींचते रहता है। लेकिन पीछे वाला जो है उसको मालूम नहीं है कि ये जो तीन आदमी बैठे हैं वो भी एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग को जो है नॉलेज नहीं है। ये लोग को क्या है, सॉरी ये लोग को क्या है, देखिए ये लोग को नॉलेज नहीं है, ये लोग जो एक्शन कर रहा है लेकिन एक्शन किस तरह करना चाहिए ये लोग को नॉलेज नहीं है, इसलिए ये लोग कर रहा है। और वो जो चौथा बंदा था जो पीछे में उसको खींच रहा है वो क्या कर रहा है, ये लोग को नॉलेज नहीं है बोल के ये लोग का फायदा उठा रहा है कि ताकि तुम लोग भी भाई उस काम को मत करो, है ना। क्या यही कोशिश कर रहा है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग को यही लगता है? तो हम लोग को क्या करना है, लगातार नॉलेज को बढ़ाना है और प्लानिंग करते रहना है। जैसे हमारा बीच अभी जो इस साल का जो ऑफर चल रहा है, अभी क्या क्या ऑफर चल रहा है, आप लोग लीडर हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का अगर पता नहीं होगा तो आपका टीम, आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका टीम मेंबर को पता होगा। मेरे को अगर पूछा जाए कि मनोरंजन जी आप बताइए आपका इस लीडर का लेफ्ट साइड में कौन कौन है उसका नाम बताइए, मैं बता सकता हूँ, कॉन्फिडेंसली बता सकता हूँ, और वो भी राइट होगा ही होगा, 100% होना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा टीम का जो है ना वो मेरा आंख का सामने है, मैं हर दिन उसको फॉलो करते रहता हूँ, उसके ऊपर प्लानिंग करते रहता हूँ कि किसको मैं क्या बीपी इस महीना कराऊं, है ना। इसीलिए मेरा टीम के अंदर बीपी आ पाता है और जो इसी तरह जो स्ट्रगल एंड कंपनी में जो काम कर रहा है उसका टीम में बीपी नहीं आता, क्योंकि उसका टीम में आदमी खींचते रहता है। क्या मंटू सर मैं सही बता रहा हूँ? तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, अल्टीमेट हम लोगों को जब हम लोग जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को माहिर होना पड़ेगा, हम लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा, उसका साथ एक्शन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा और एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। तो वही देखिए दूसरे तरफ ये लोग भी वही काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है वो लोग इस तरह जल्दी वो लोग को सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि वो लोग प्लानिंग का ऊपर काम कर रहे हैं, कोई किसी को पीछे नहीं खींच रहा है। अल्टीमेट क्या हो रहा है, वो लोग आपका आगे जा पा रहा है, लेकिन
आप लोग आगे जा पा रहे हैं, पीछे देखिए कहीं हैंडब्रेक लगा हुआ है। और यही चीज मुझे क्लियर कराए थे हमारे जब कलकत्ता में ट्रेनिंग हुआ था, तो हमारा जो कलकत्ता में जब ट्रेनिंग हुआ था आशीष सर ने आए थे तो रास्ते में खड़ा होकर चाय के दुकान में हरीश सर ने मुझे बताए थे कि मनोरंजन जी देखो तुम्हारा टीम पे मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जितना मेंबर्स हैं उस हिसाब से आपका टीम में काम नहीं हो रहा है, देखिए आप कहीं ना कहीं आपका ब्रेक लगा हुआ है। तो मैंने देखा, मैंने उसके ऊपर बहुत रियलाइज किया, बहुत देखा, बहुत कोशिश किया जानने के लिए कि कहाँ ब्रेक लगा हुआ है। तो फिर मैंने क्या देखा कि हमारा टीम में जो भी मेंबर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, नंबर वन पॉइंट निकला। और दूसरा पॉइंट ये निकला था कि जो लीडर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी देना जानते हैं लेना नहीं जानते हैं। तो आप एज ए लीडर आपको करना क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपका टीम के अंदर किसको क्या नॉलेज है उसका ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि लीडर्स जो होता है उसको सारा कुछ मालूम होना चाहिए। देखिए जो टीचर होते हैं स्कूल में बहुत सारा बच्चा होता है, लेकिन टीचर को मालूम होता है कि कौन सा बच्चा उनका बात को सुन रहा है और कौन सा बच्चा उनका बात को नहीं सुन रहा है या बदमाशी कर रहा है, मालूम होता है कि नहीं। तो एज ए लीडर आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपका टीम का अंदर कौन बंदा बदमाशी कर रहा है और कौन बंदा आपका टीम को खींच रहा है, तोड़ने का कोशिश कर रहा है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए एज ए लीडर। तो इसी तरह देखिए जब ये एक बंदा ने क्या किया, जो बदमाशी कर रहा था और जो उसको रोकने का कोशिश कर रहा था, जब उसने वो सारा लीड मेंबर्स को जब हटा दिया उसका टीम से, तब वो देखिए इस तरह आगे बढ़ रहा है, तब बन का नाम हो जाता है नो स्ट्रगल एंड कॉम्बैट। अब देखिए उसका किस तरह सक्सेस जो है वो किस तरह आगे बढ़ पा रहा है। तो बस यही वीडियो मैंने दिखाना था, कैसा लगा आप लोगों को इस वीडियो, आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं क्या इस वीडियो का थ्रू मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाया। सर क्या मैं इस वीडियो का थ्रू मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाया, अगर सिखा पाया तो रिप्लाई कर सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ताकि मुझे मालूम चले कि मैं जहां पर बात कर रहा हूं वो लोग मुझे सुन रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मुझे कुछ अलग फील होगा, बट क्या होता है कि मैं जब आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन अगर आपका रिप्लाई जब आने लगता है ना तो मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि नहीं मैं सही दिशा पे जा रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों का हर टाइम रिप्लाई देते जाना है, क्योंकि आप लोग भी कल इस प्लेटफॉर्म में आप लोग भी ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों फिर मैं इस वीडियो से जो भी आप लोग को मैंने सीखा पाया या आप लोग जो भी टारगेट कर पाए हैं, तो उस रिलेशन से मैं एक चीज बात बोलना चाहूंगा कि क्या आप लोगों का जो बिजनेस है ये अकबर और बीरबल का बिजनेस का थ्योरी से चलता है, यानी कि अकबर और बीरबल का मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बीरबल ने कभी भी अकबर को छोड़ के नहीं गया, क्या गया है उसका जो अकबर बीरबल के बारे में जो भी जानते हैं, मेरा उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी जो चीज मैंने आज सुबह मुझे मालूम चला कि मुझे ट्रेनिंग देना है, लेकिन पहले भी आशीष सर ने मुझे बताए थे, लेकिन मैंने मेरा दिमाग से आउट हो गया था, तो फिर भी मैंने जितना जल्दी हो सके इस पीपीटी को मैंने रेडी किया आज एक डेढ़ घंटा का बीच में। तो ये क्या है कि अकबर बीरबल ने कभी भी अकबर को छोड़ के नहीं गया, क्योंकि अकबर और बीरबल में कुछ बिजनेस मैनेजमेंट का थ्योरी था, तो उस थ्योरी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तब क्या होगा कि अकबर और बीरबल का थ्योरी को अगर आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपका टीम कभी कोई भी तोड़ नहीं पाएगा और टूटेगा भी नहीं। तो उसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च किया था, जो रिसर्च के ऊपर मैंने आप लोगों को उस ट्रेनिंग को देने का कोशिश करूंगा। तो देखिए कुछ अकबर और बीरबल का जो थ्योरी था उसमें क्या था कि अगर अकबर नहीं होता तब भी क्या है बीरबल उसका बिजनेस को लेके चल ले जा पाता, क्योंकि उसको नॉलेज था, बीरबल को नॉलेज था कि क्या उसका बिजनेस किस तरह चलाना है,
इस तरह उसको आगे बढ़ाना है, ये सारा नॉलेज बीरबल को था। अगर आपका टीम में बीरबल है तो सही है, आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टीम में बीरबल नहीं है तो आपको रेस्ट करना नहीं है, आपको लगातार प्रयास करते रहना कि ताकि आपका टीम में भी एक बीरबल आ जाए। तो दोस्तों क्या हो रहा है, तो क्या करना है कि आपका टीम का अंदर जो भी मेंबर्स हैं उसका अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको निकालना है, क्योंकि हर एक आदमी का एक अलग अलग टैलेंट होता है, हर एक आदमी का एक अलग अलग टैलेंट होता है। जैसे कोई अच्छा अच्छा प्लान प्रेजेंट कर पाता है और कोई कोई अच्छा प्लान बना पाता है, प्लान बना पाता है मीन प्लानिंग कर पाता है, और कोई अच्छा आदमी को खींच सकता है। तो इस तरह आपका टीम के अंदर जो 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 एक्टिव मेंबर्स है उनका टैलेंट जो है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने से क्या होगा, तो मैंने जो सर्च किया था उसमें कुछ थ्योरी में बताऊंगा, जो इनको आप जानते हैं कि वर्जिन मोबाइल जो था, वर्जिन मोबाइल का मालिक है रिचर्ड बेंसन, उनका जो थ्योरी कहते हैं कि ट्रेन योर एम्प्लॉयज एनफ, ट्रेन देम सो मच सो दैट एनीबॉडी कैन पे देम डबल सैलरी ऑफ व्हाट यू आर गिविंग देम। मतलब इसका अगर हिंदी में कहा जाए तो आपका टीम का ये बोलते हैं कि आपका टीम, आपका कंपनी में या आपका टीम के अंदर जो एम्प्लॉय है उनका जितना उसको आप उतना ट्रेन कीजिए, उतना सिखाइए ताकि दूसरे कोई उसको डबल सैलरी दे के ले जा सके। तो शायद मैं ये गलत बोल रहा हूँ ना, तो ये गलत थ्योरी होगा कि ऐसा थोड़ी होता है कि मैं उनको सिखाऊंगा, मैं उनको एजुकेटेड कराऊंगा, मैं उनको बनाऊंगा, उनको एजुकेटेड बना के मैं एज ए लीडर में बनाऊंगा, एज ए लीडर में उनको खड़ा करूंगा और दूसरे कोई उसको आके लेके चला जाए। क्या ये आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो मतलब नीता रंजित जी ने अकेले ही सुन रहे मेरा बात को। जी जी सर, थैंक यू सर। दादा हमें कोलकाता থেকে হয়েছিল তো আমি দিল্লিতে থাকি। जी जी सर, तो आगे बढ़ते हैं नीताई जी, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये जो है इसको हम लोग को लगता है कि ये जो वर्जिन का मोबाइल का मालिक जो रिचर्ड बेंसन जी हैं ये गलत बोल रहे हैं, ये हम लोग को लगता है। लेकिन इसका पीछे कई कारण है, ये जो कोटेशन दिया है इसका पीछे कई कारण है। कारण क्या है देखते हैं। कारण ये है कि वो बोल रहे हैं ट्रीट देम वेल एनाफ यानी कि वो लोग को अच्छी तरह से एजुकेटेड कीजिए सो दे डू नॉट वांट टू लीव, यानी कि उससे ट्रीट करना पड़ेगा, उससे प्यार देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा और उसको एजुकेटेड करने के साथ साथ इतना आप प्यार देते रहिए ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए। तब ये जो मैंने बोला ये अभी आपको लग रहा होगा यहाँ तब वो कोटेशन सही था, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप एक आपका टीम का जो मेंबर्स हैं उसको इस तरह ट्रेन कीजिए, उस तरह उसको सिखाइए, उस तरह पढ़ाइए, उसको इतना एजुकेटेड कराइए ताकि दूसरे आके उसको खरीदना चाहें। लेकिन उसको उस तरह सिखाने का साथ साथ उस तरह उसको प्यार देते रहिए ताकि वो आपको छोड़ के भी ना जाए। तो क्या है कि छोड़ के नहीं जाने का कारण क्या है कि वो बोल रहे हैं कि आप प्यार देने के साथ साथ उसको ट्रेनिंग भी दीजिए, उसको ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट मीन्स उनको प्यार दीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए और इस तरह ट्रेनिंग दीजिए, इस तरह प्यार दीजिए ताकि वो आपको कभी छोड़ के जाने का सोचे भी नहीं, है ना। तो वो क्या करते थे, वो एम्प्लॉय के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते थे, एक तो है पर्सनल इंटरेक्शन और दूसरा होता है प्रोसेस इंटरसेक्शन। वो दोनों तरीके से वो उनका जो एम्प्लॉय थे उनको प्यार करते थे। मतलब पर्सनल इंटरेक्शन मतलब आप जैसे आप एज ए लीडर आप आपका टीम मेंबर्स को आप प्यार कर सकते हैं, ये पर्सनल इंटरेक्शन हो गया। लेकिन प्रोसेस इंटरेक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो टीम का मेंबर है, देखिए यही पे मैंने कैलकुलेट किया हमारे गुरु आशीष निगम जी के साथ, यहीं पर मैंने कैलकुलेट किया हमारे गुरु आशीष निगम जी के साथ। क्यों,
क्योंकि ये प्रोसेस इंटरेक्शन में काम कर रहे हैं। पर्सनल इंटरेक्शन तो कोई भी लीडर कर सकता है, ये ऑटो मोड में हो जाता है, लेकिन आशीष निगम जी ने क्या किया, ये प्रोसेस इंटरेक्शन में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एक आई एम पॉसिबल टीम का एक ग्रुप बना दिए, एक फाउंडर फाउंड कर दिए आई एम पॉसिबल टीम को, जिसके अंदर आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं, लेकिन हम आप के ही हैं, आप कोई एक टीम से हैं जो मैं और एक कोई एक टीम से हूं, लेकिन आपको हमको जोड़ दिए एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में आई एम पॉसिबल टीम के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, आप और हम दोनों दोनों को खींच सकते हैं, दोनों दोनों को प्यार कर सकते हैं। जैसे मेरे टीम ने, मेरा टीम क्या हुआ, मेरे को कोई एक बंदा था जो दिल्ली में जान पहचान था, लेकिन आशीष सर ने क्या किए थे, सुरेश सर के साथ मेरा एक ऐसा रिलेशन बना दिए थे, जिस कारण से सुरेश सर ने क्या किए, दिल्ली में जाके मेरा एक टीम बना दिए। मैंने सर क्या किया कि सुरेश सर को उस लीड को कन्वर्ट करा दिया, सर मेरा ये जान पहचान है, उनको आप ज्वाइनिंग करा दीजिए प्लान समझा करके, है ना। तो सर, सुरेश सर ने क्या किया, वहां पर जाके उनको समझा बुझा के आज मेरा फ्रेंचाइजी होल्डर हो गया दिल्ली में। तो मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टीम के अंदर भी हर किसी को, हर किसी से आपको प्यार मोहब्बत होना जरूरी है, लेकिन अगर आप जो स्ट्रगल एंड कंपनी का तरफ अगर हो जाएगा आपका टीम, तो क्या होगा, आपका टीम नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि वो देखते रहेगा ये तो मेरा टीम का नहीं है, ये तो मेरा क्रॉस टीम है। इस तरह भावना जब से आपका टीम के अंदर आ जाएगा, तब से आपका टीम ग्रो नहीं होगा, वो डाउनफॉल होते जाएगा, क्योंकि आपका टीम के अंदर एकता नहीं होगा। जब एकता टूट जाएगा तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको प्रोसेस इंटरेक्शन भी करना जरूरी है, जो वर्जिन मोबाइल का मालिक ने उनका एम्प्लॉय के साथ करते थे। तो वो बोल रहे हैं, ट्रेन पीपल वेल एनफ सो दे कैन लीव, ट्रीट देम वेल एनफ सो देट डू नॉट वांट टू। मतलब ट्रेन पीपल वेल एनफ, मतलब आपका टीम के अंदर जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप ट्रेन कीजिए, सो दे कैन लीव, यानी कि आप उस तरह एजुकेटेड उसको कर देंगे तब वो सोचेगा कि मैं इनको छोड़ के जाऊं, लेकिन उनको उतना आप अच्छी तरीका से इतना प्यार दीजिए, इतना ट्रेंड कीजिए, इतना ट्रेनिंग दीजिए, इतना आप जो प्यार टीम के अंदर जो प्यार है उस प्यार को फैला दीजिए, ताकि वो आपको छोड़ के ना जा पाए। तो अभी मैं दूसरा पॉइंट का ऊपर बात करूंगा कि शो योर पीपल ए वेल डिफाइंड करियर पथ। अभी क्या करना है कि आपका जो टीम का मेंबर्स हैं, आप एक प्लानिंग कीजिए, जैसे अभी रॉयल्टी का ऊपर ऑफर चल रहा है, लॉयल्टी का ऊपर ऑफर चल रहा है, फॉरेन ट्रिप का ऊपर ऑफर चल रहा है, तो उसको एक आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा। कंपनी ने ऑलरेडी आपको प्लानिंग करके दे दिया कि आप अगर डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपका जो फॉरेन जाने का सपना था उसको आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपका टीम के अंदर काम होना जरूरी है। आपका टीम के अंदर कितना डायरेक्टर अचीव कर लेते हैं, कितना रॉयल्टी लॉयल्टी अचीवर्स बढ़ता है, उसको आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका हर एक टीम का मेंबर के साथ अकेले में बैठना पड़ेगा और उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इस रास्ते से जाकर के अपना टारगेट को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो उसको एजुकेटेड करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो बंदा को आप ट्रेंड कर किए हैं वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका सक्सेस का पीछे जा चुका होगा, सक्सेस का रास्ते में वो ऑलरेडी जा चुका होगा, क्योंकि वो उसका करियर में ले चुका होगा। तो उसका करियर को दिखाना है, करियर को डिफाइन करना है कि आप जिस प्लेटफॉर्म में हैं इसमें आपका करियर कितना ग्रो कर सकता है, और उसके साथ आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों का है कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टर तक आप पहुंचेंगे, तो उसको करियर में उसको दिखाना पड़ेगा, एक एक टारगेट जो है हम लोगों का, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर से एग्जीक्यूटिव कैसे बनना है, एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बनना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव से आपको डेप्यूटी मैनेजर कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है, सीनियर मैनेजर कैसे बनना है, तो ये सारा कितना कितना बीपी लगता है, तो ये किस तरह आ सकता है आपका टीम के अंदर, कितना जल्दी आप इस डायरेक्टर लेवल को अचीव कर सकते हैं, तो ये सारा बैठ के आपको
प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग देना पड़ेगा, उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। सर आपको नॉलेज हो गया मतलब ऐसा नहीं कि आप ही सक्सेस पाएंगे, तो इस तरह बात नहीं है, क्योंकि आप अकेला हो जाएंगे। जब आप आपका टीम को लेके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो ऑटोमोड में हो जाता है। क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा, जैसे मैंने क्या बोला था पहले कि क्या आपका टीम के अंदर जो बिजनेस है वो आगबल और बीरबल का तरह बिजनेस में ग्रो कर रहा है, मतलब आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या है, जीरो है ना। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर आप भी नहीं रहेंगे तब भी आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए। यानी कि देखिए आशीष सर का मम्मी का जो है तबीयत खराब था तो उन्होंने एक साल तक काम नहीं कर पाए, है ना, एक साल तक उन्होंने काम नहीं कर पाए, फिर भी उनको उस साल उनको जो सालाना इनकम आया था कितना आया था आपको मालूम है दोस्तों? 24 लाख का इनकम आया था। तो ये क्या कारण था कि उन्होंने इनएक्टिव थे, पर उनका टीम का अंदर जो मेंबर्स है वो सब एक्टिव थे। क्या सर मैं गलत बोल रहा हूँ आशीष सर? नहीं नहीं मनोज बिल्कुल सही कह रहे हैं, 27 लाख आया था मनोज जी, 27 लाख आया था। तो जी सर तो देखिए दोस्तों आशीष सर का मुंह से ही आप सुने कि 27 लाख आया था काम नहीं करते हुए, तो उन्होंने क्या किए थे? तो अगर उनको आ सकता क्या हमको नहीं आ सकता? लेकिन क्या वो जो कर रहे हैं क्या हम लोग वो काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको आ रहा है हम लोग को नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, उनको अंदर लीडर्स खड़ा किए थे। लीडर्स, लीडर्स का मतलब है कि वो उसका टीम को लीड कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा 100,000 लीडर्स खड़ा कर दिया ताकि वो उसका टीम को लेके आगे काम करें, है ना। तो इस तरह आपका टीम के अंदर भी जो लीडर्स खड़ा करना पड़ेगा, लीडर तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो, और लीडर कैसे तैयार हो पाएगा उसका ऊपर भी ट्रेनिंग है। जैसे लीडर तैयार करने के लिए क्या है, उसका टांग में, यानी कि उसका टांग में हर एक पॉइंट होना जरूरी है। क्यों केवा दूसरे एमएलएम कंपनी का दूसरे एमएलएम कंपनी से अलग है, और कौन सा लेवल में कितना परसेंटेज है, कितना आपको रॉयल्टी आ सकता है, मतलब हर एक पॉइंट आपका टांग में होना जरूरी है, तभी आप बन पाएंगे लीडर, तभी आप दूसरे को डायरेक्टली ज्वाइनिंग करा पाएंगे विदाउट एफर्ट सीनियर्स। आपको सीनियर का तभी जरूरत पड़ता है जब कोई बात आपको मालूम नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं होता है, तभी आपको सीनियर का जरूरत पड़ता है। लेकिन जो काम आपको मालूम है तब उस आपको सीनियर का जरूरत नहीं होता है। दोस्तों पहले बात आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि खुद का बिजनेस आप ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, सीनियर्स आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। तो आशीष सर ने क्या कर रहे हैं, लीडर बना रहे। मैं आपको ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर कल तैयार हो जाएंगे मेरे जैसा, आप ट्रेनिंग देंगे आप करना आपका टीम को, तो मैं दूसरे कोई टीम को ट्रेनिंग दे रहा होगा। तो मेरा काम क्या है कि जब मेरा टीम के अंदर ट्रेनर्स खड़ा हो जाएगा तो हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड में मेरा काम हो रहा होगा। तो दोस्तों मेरा टीम के अंदर 4,000+ पीपल ऑलरेडी जुड़ चुका है, 4,000+ आदमी ने काम कर रहा है। तो मैंने किया काम करना बंद कर दिया? नहीं किया, क्योंकि जो काम, जो 4,000 आदमी से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आपको सेटिस्फाइड भी नहीं होना है। तो मैंने पहले क्या बताया दोस्तों कि आपको हर एक पॉइंट को जानकारी जरूरी है, आपका टंग में होना जरूरी है, यानी कि उधर से बोलना बाकी रहेगा, आपका मुंह से निकल जाना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि कीवा का अंदर कितना परसेंटेज रॉयल्टी में दिया जाता है, जो क्लब इनकम है कितना परसेंट दिया जाता है, कौन कौन लीडर बता पाएगा वो हाथ खड़ा, मतलब हैंड रेज करें। कीवा का अंदर, कीवा का जो बिजनेस प्लान है उसका अंदर कितना परसेंट क्लब इनकम दिया जाता है? जी सुरेश सर को ही पता है, अकेले आदमी वन मैन आर्मी खड़ा है सर, और किसी का पता नहीं है।
किसी को पता नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा सर। क्या आशीष सर, क्या ऐसे काम चलेगा सर? मुझे लगता है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं मालूम है लोगों, राजा जी ने बोला भी 62%। जी जी जी, अर्णव जी ने भी लिखा 62%। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और राजा राम जी ने भी लिखे 62%, अर्णव जी ने भी लिखे 62%, सुरेश सर ने भी हैंडराइज किया। तो मतलब क्या है, देखिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। बस जुड़ने बोले हैं आशीष सर, हम जुड़ गए हैं। ज्वाइनिंग करने बोले हैं आशीष सर ने कि आपको टीम अटेंड मीटिंग अटेंड करना है, तो हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम आज भी जो थे कल भी वही रहेंगे, 5 साल के बाद वही रहेंगे, हमको तो वही रहना है, हमको तो चेंज नहीं होना है। अगर हमको खुद अगर चाहते हैं कि हम खुद चेंज नहीं होंगे तो हमको कौन चेंज करेगा, है ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि इस तरह आप अपना सक्सेस को नहीं पा पाएंगे। हम लोग अकेले काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम लोग एक टीम में काम करें। तो आपको जो भी कुछ, देखिए मैं जानता हूं कि मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा हूं ये सारा चीज आपको पता है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा बोलने का जो स्टाइल है, बोलने का जो कला है, शायद वो आपको लग जाए, आपका दिमाग में लग जाए और वो आपको बार बार रिमाइंड करता रहे कि हाँ मनोरंजन जी ने तो ये बोले थे। तो इसलिए मैं आपको ट्रेनिंग देने का कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका टीम के अंदर को लीडर्स का जो टैलेंट है, हर एक टैलेंट को आपको आगे लेके आना है, है ना। जैसे किसी को बिजनेस प्लान देना अच्छा वो बिजनेस प्लान दे पाता है, कोई अच्छा प्लानिंग कर पाता है, तो उस तरह हर एक आदमी का जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उसको आपको निकालना है ना। तो निकालने का साथ साथ आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना देना है जो टीम के अंदर कौन क्या काम करेगा। जैसे आशीष सर ने क्या किए, एक हम लोगों का कोर टीम बना दिए, है ना। कोर टीम के अंदर एक डायमंड ग्रुप बोल के भी एक ग्रुप बना दिए जो ऑलरेडी सीनियर्स पर्सन के लिए है। तो इसमें क्या है कि सीनियर्स पर्सन के लिए एक ग्रुप है, एक आई एम पॉसिबल टीम का ग्रुप है, एक आई एम पॉसिबल टीम का कोर टीम का ग्रुप है। दोस्तों इतना कोर टीम का ग्रुप, इतना ग्रुप बनाने का क्या रीजन हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है, रिप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे जो लगता है कि आशीष सर ने इसलिए इतना ग्रुप क्रिएट किए हैं कि हर एक बंदा के साथ हर एक बंदा का कनेक्शन लगातार रहे। जैसे मैं पीपीटी अच्छा बना पाता हूँ, है ना, शायद मैं ट्रेनिंग अच्छा नहीं दे पाता हूँ इसलिए आप लोग सुन नहीं रहे। तो अगर मैं पीपीटी अच्छा बना पाता हूँ तो इसने क्या, आशीष सर ने क्या किया, मुझे आई एम पॉसिबल टीम के साथ कनेक्ट कर दिया कि तुमको पीपीटी ही बनाना है। तो आशीष सर ने मेरा जो एक्स्ट्रा टैलेंट था उसको निकाल लिया। अब सुरेश सर का क्या किया, सुरेश सर ने अच्छा प्लान प्रेजेंट कर पाते हैं, तो सुरेश सर को क्या किया कि सुरेश जी आप आज 10 कदम का प्लान आपको देना है। तो इस तरह हर एक एक आपका जो टीम है उसका अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि कौन क्या काम करेगा। जैसे देखिए आशीष सर बार बार बोलते रहते हैं कि काम करना है आपको सैलरीड पर्सन के तरह, लेकिन दिमाग लगाना है एज ए बिजनेसमैन के तरह, है ना सर, यही बोलते हैं ना सर आप? बिल्कुल सही जी। तो इसी तरह हमको काम करना है कि एज ए सैलरीड पर्सन जो काम करता है वो लोग भी एक स्ट्रक्चर में काम करता है। एक देखिए पीयून रहता है, फिर उसका एक एग्जीक्यूटिव रहता है, फिर मैनेजर रहता है ना, फिर कंपनी का एडवाइजर रहता है। तो हम लोगों को भी काम उसी तरह करना है कि हमारा टीम के अंदर एक स्ट्रक्चर बना देना है ताकि हम लोग हर कोई किसी को रिपोर्ट दे पाए, क्योंकि रिपोर्टिंग जब हम लोग करते रहते हैं तो वो काम अच्छा होता है। और उसका जो टीम के अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर आप एक जो क्या रिजल्ट आ रहा है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप एक स्कोर बोर्ड बना सकते हैं कि जो जैसे आशीष सर ने बताए थे कि 10 कदम प्लान के ऊपर एक स्कोर बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग 10 कदम प्लान तो देख रहे हैं लेकिन उसका ऊपर कौन क्या काम कर रहा है उसका लिए कि अगर स्कोर बोर्ड होगा तो उसमें हम लोग को रिजल्ट दिखने लगेगा कि हम लोग जो एफर्ट दे रहे हैं क्या वो सही दिशा में हम लोग एफर्ट दे रहे हैं, उसका ऊपर क्या काम हो रहा है। इस तरह आपका टीम के अंदर भी एक स्कोर बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों
आप कभी जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में लिखा कभी कभी आपको नजर आएगा, अगर आप देखेंगे तो लिखा रहता स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द ईयर लिखा फोटो लगा के रखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसका अंदर एक कॉम्पिटिशन भावना के लिए। तो हम यहाँ पर जब आपका स्कोर बोर्ड आपका टीम के अंदर होगा, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने 6000 बीपी मेरा टीम के अंदर 50 आदमी को कर लिया। अभी राजाराम जी को लगता है कि मनोरंजन जी ने 50 आदमी का कर लिया, मेरा टीम का 20 आदमी ने किया, मुझे और ज्यादा एफर्ट देना है। तो उसने भी क्या करेंगे, राजाराम जी ने क्या करेंगे, एफर्ट ज्यादा लगाएंगे और इस 50 जो 6000 बीपी मैंने मेरा टीम के अंदर किया था उसको क्रॉस करने का कोशिश करेंगे। तो जब कोशिश करेंगे तो उनका खुद का टीम के अंदर बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा, साथ साथ में आई एम पॉसिबल टीम का भी बिजनेस ग्रोथ होगा। और दोस्तों इसी तरह और एक पॉइंट है जो कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो आपका अंदर सारा कुछ है, टैलेंट आपने निकाल लिया, आपने स्ट्रक्चर भी आपका टीम के अंदर बना लिया, और दूसरा है ये अगर नहीं होगा तो आपका टीम के अंदर आपका जो भाव काम है उस काम आगे नहीं बढ़ेगा, वर्किंग प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये होता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मतलब आपको एज ए लीडर आपको टीम के मेंबर्स को हाथ हर टाइम आपको पकड़ के रखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। तो इस तरह एक स्टोरी के माध्यम से मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ कि एक बच्चा होता है और एक पिताजी होता है और एक मुनि ऋषि होते हैं, ना? तो मुनि ऋषि जो होते हैं वो एक नदी का उस पार में रहते हैं और एक लड़की और उसका पिताजी ने तो मुनि ऋषि जो उधर रहते थे तो उनका घर से हर दिन वो दूध जाता था, मिल्क जाता था उनके पास लेके जाते थे, है ना। तो एक दिन ऐसा बारिश हुआ कि रास्ते में बहुत सारा पानी जम गया और पानी का स्रोत जो था बहुत ज्यादा था, है ना। तो पानी का स्रोत बहुत ज्यादा रहने के लिए वो लड़की ने क्या किया, जब दूध लेके जा रहा था उस मिनी ऋषि के पास तो उनका पिताजी ने बोला कि बाबू तुम आज अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारा साथ चलता हूँ। तो उसका साथ जब जाने लगते हैं दोनों, बाप और बेटी दोनों जाने लगते हैं, दोनों जाते हुए क्या होता है कि बच्ची ने क्या करते हैं उस पानी का स्रोत में वो पाव जब रखता है तो उसका पिताजी ने बोलते हैं कि बाबू तुम मेरा हाथ पकड़ लो, है ना। तो उस लड़की ने उसको उसका पिताजी को ये बोलते हैं कि बाबा अगर मैं तुम्हारा हाथ को पकड़ूंगा तो वो हाथ छूट सकता है, लेकिन आप अगर मेरा हाथ को पकड़ लेंगे तो वो हाथ कभी भी छूटेगा नहीं, चाहे पानी का स्रोत ज्यादा हो क्यों ना हो, है ना। तो इसी तरह एज ए लीडर आप आपका टीम का मेंबर का हाथ को पकड़ के रखना है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपका टीम के अंदर जो भी कुछ काम करेंगे उसका अंदर होनेस्टी होना जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। कोई भी बात आप आगे पीछे नहीं करेंगे, आपका टीम के अंदर जो भी बात है आपका एक गोल टेबल में बैठ के ये सारा प्रॉब्लम्स को आप क्लियरिटी कर सकते हैं, ताकि आपका टीम के अंदर जो रिलेशन है वो बाइंड्स बॉन्डिंग्स जो है वो ज्यादा बढ़ता रहे। तो यही था मेरा आज का ट्रेनिंग पार्ट। तो मैं कोशिश मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझा पाया कि मेरा जो ट्रेनिंग पार्ट था ये क्या था। तो यहीं पर मेरा ट्रेनिंग को मैं खत्म करता हूँ। ओवर टू मंटू सर, प्लीज।